भारतीय सांस्कृतिक नीति विश्व विरासत दिवस के मौके पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी में स्थल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें डाइट में डिप्लोमा कर रहे 50 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में अंजना कुमारी ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि सोनू ने दूसरा व अनामिका ने तीसरा स्थान हासिल किया। विश्व विरासत दिवस के मौके पर भारतीय संस्कृति निधि द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट मंडी में स्थल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें डाइट में डिप्लोमा कर रहे 50 प्रशिक्षकों ने भाग लिया। द्वितीय वर्ष की अंजना कुमारी इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया, जबकि प्रथम वर्ष की सोनू ने द्वितीय और द्वितीय वर्ष की अनामिका ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस मौके पर भारतीय सांस्कृतिक निधि मंडी चैप्टर के संयोजक नरेश मल्होत्रा ने बताया कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व धरोहर स्थलों और स्मारकों के इतिहास और विविधता के संरक्षण बारे लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को 18 अप्रैल 1982 से मनाया जा रहा है और इसे यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। उन्होंने बताया कि भारतीय सांस्कृतिक निधि के मंडी अध्याय ने भी शहर की विरासत और पुरानी परंपराओं, जीवन शैलियों के संरक्षण के अलावा पुराने भवनों, ऐतिहासिक मंदिरों के संरक्षण के बारे में विभिन्न स्तरों पर विचार आरम्भ कर दिया है। हेरिटेज में हम उन उन बिल्डिंगों को ले रहे हैं जो विरासत की कही जाती है, जैसे कि विजय हाई स्कूल है सबसे पहला, और विक्टोरिया ब्रिज है, पंचवक्तर है, और अर्धनारीश्वर मंदिर है। ये सारे हेरिटेज में आते हैं। इनका हम संरक्षण कर रहे हैं और इनकी पेंटिंग बच्चों को बता रहे हैं किस प्रकार से लेना है, और इस प्रकार से हम इसको संरक्षित करना चाह रहे हैं ताकि ये आगे विरासत चल जाए सारी चीज़ें। तो इसके लिए हमारा पूरा योगदान है हेरिटेज की तरफ से, इंडियन नेशनल हेरिटेज। इस मौके पर नरेश मल्होत्रा व अन्य ने विजेताओं को पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया।